तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे एक भाई का क्वेश्चन आया है कि अगर मेरी सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह है, मतलब प्रति मंथली है, तो मुझे पर्सनल लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कौन सा बैंक मुझे कितने ब्याज पर पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगा 15,000 रुपये की सैलरी पर। तो यहाँ पर यार उन्हीं का क्वेश्चन नहीं होता है, यहाँ पर जिनकी जिनकी 15,000 रुपये सैलरी होती है ना प्रति माह, और मतलब मंथली सैलरी 15,000 रुपये होती है, 20,000 होती है, 25,000 होती है, 18,000 होती है, तो भाई इन इन सभी लोगों को पर्सनल लोन चाहिए होता है, क्योंकि यार एकदम अर्जेंटली पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि कुछ नुकसान हो गया, कुछ भुगतान भरना है, तो पर्सनल लोन चाहिए होता है। तो यहाँ पर उन सभी भाइयों का क्वेश्चन मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहूँगा जिनकी सैलरी 15,000 और से 25,000 के बीच में है। तो यहाँ पे पर्सनल लोन उनको जरूर मिलेगा, और कौन सी बैंक कितने परसेंट के इंटरेस्ट पे आप लोग को प्रोवाइड करेगी पर्सनल लोन। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और बेस्ट लोन ऑफ ऐप, इन सब चीज़ों की वीडियो लाते रहते हैं। तो आगे तो चलिए चलते हैं अपनी एक लिस्ट पे। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखी हुई है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर्सनल लोन फॉर लो सैलरी सिप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लो सैलरी सिर्फ आप पर्सनल लोन। तो जिनकी भाई सैलरी लो है ना, 15,000 से 25,000 के बीच में है ना, तो उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो कौन कौन सी बैंक आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे नंबर वन पे आती है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आप लोग को कितना 12% से लेकर के 21% के इंटरेस्ट से आप लोग को पैसा प्रोवाइड करती है, रुपया प्रोवाइड करती है, और वो भी आप लोग की जो मिनिमम मंथली इनकम होनी चाहिए ना, वो आप लोग की 15,000 होनी चाहिए। 15,000 से ऊपर जितनी हो, 15,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग को एक्सिस बैंक आपको रुपया नहीं प्रोवाइड करेगी, लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। और जो आप लोग का लोन, मैक्सिमम लोन आप लोग यहाँ पे पर्सनल लोन जो ले सकते हैं ना, तो वो 15 लाख रुपये ले सकते हैं, और जो इनका टेन्योर होगा मतलब कि कितने महीने के लिए आप लोग को ये पैसे देंगे, तो ये 12 से 60 महीने के लिए पैसे देंगे। तो आप लोग एक साल में कन्वर्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, तो मैं आगे जल्दी से बता देता हूँ। तो जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक आप लोग को 9% 9.6 60% के से अकॉर्डिंग आप लोग को पैसा दे रही है। तो ये यार गवर्नमेंट बैंक है, तो गवर्नमेंट बैंक के लिए जो गवर्नमेंट अप्लाई होते हैं ना, उनको बहुत आसानी रहती है इन लोगों से पर्सनल लोन लेने के लिए, क्योंकि यार जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट का बड़ा आराम से चल जाता है, समझ रहे हो ना। तो यह क्योंकि गवर्नमेंट से आसानी से पैसा लिया जा सकता है, क्योंकि उनके पास चांसेस होते हैं कि हाँ यार गवर्नमेंट अप्लाई है और ये लोन तो चुका ही देगा। और जो भाई प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो उनके ऊपर रिस्क रहता है कि हाँ यार ये चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, तो उनका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा ही अच्छा होना चाहिए, तभी उनके ऊपर भरोसा किया जाता है। अगर उनका क्रेडिट स्कोर गुड की कैटेगरी में आता है, तभी उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक जो हो गई है ना, स्टेट बैंक आप लोग को 9.6% के इंटरेस्ट से आप लोग को पैसा दे रही है, और जो आप लोग की मंथली इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15,000 रुपये, और ये मैक्सिमम लोन आप लोग को प्रोवाइड कर रही है, 20 लाख तक का आप लोग को मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कर रही है। और जो इनका टेन्योर है, कितने साल के लिए प्रोवाइड कर रही है, 72 महीने के लिए प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि 6 साल के लिए आप लोग को लोन प्रोवाइड कर रही है, 12 × 72 तो आप लोग के लिए 6 साल के लिए 20 लाख का लोन प्रोवाइड कर रही हैं। अब आप 20 लाख का लें, 5 लाख का लें, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप लोग की जो नेक्स्ट बैंक होती है, चली आ रही है, जो HDFC बैंक, प्राइवेट सेक्टर की ये सबसे बड़ी बैंक होती है HDFC बैंक, और ये जो आप लोग को ना कितने परसेंट के इंटरेस्ट से आप लोग को पैसा दे रही है, ये आप लोग को इनका जो इंटरेस्ट है ना, वो 10.75% से लेकर के 21.30% से आप लोग के ब्याज से आप लोग को 25,000 मंथली इनकम होनी चाहिए, और जो लोन अमाउंट है ना, वो 40 लाख है। मतलब सब देखो, इनका लोन अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है, तो लेकिन इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, ये भी आप लोग गौर करना। जो HDFC बैंक है ना, वो आप लोग को 10.75% से लेकर के 21.30 के परसेंट के ब्याज से आप लोग को पैसा प्रोवाइड परसेंट के ब्याज से आप लोग तो 10.75% के ब्याज से लेकर से आप लोग को 21.30 के परसेंट से आप लोग को पैसा प्रोवाइड कर रही है। जो इनकी जो इनमें आप लोग की मंथली इनकम होनी चाहिए ना, वो 25,000 होनी चाहिए, और तब आप लोग को ये मिनिमम जो लोन प्रोवाइड करेंगे ना, वो 40 लाख का प्रोवाइड करेंगे, वो भी आप लोग को 12 से 60 महीने के लिए। तो समय भी कम दे रहे हैं लेकिन लोन ज़्यादा दे रहे हैं, और इनकम इनकी 25,000 होनी चाहिए मिनिमम। तो ये HDFC फाइनेंशियल सर्विस, जो ये
जो बैंक है ये आप लोग को कितने इंटरेस्ट से पैसा दे रही है, ये 36% के इंटरेस्ट से पैसा दे रही है। बट इसमें जो सैलरी स्लिप होनी चाहिए ना, आप 15,000 से 20,000 के फॉर मेट्रो के सिटीज, मतलब कि जो मेट्रो सिटीज के लोकेशन में लोग रहते हैं ना, उनकी सैलरी आप लोग की 15,000 से 20,000 के बीच में होगी, और ये 36% के इंटरेस्ट से आप लोग को पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो लोन का लोन प्रोवाइड करेंगे ना आप लोग, पूरा पूरा वो 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेंगे, और इनकी महीना जो ये कितने महीने के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो 12 से 60 महीने के लिए आप लोग को लोन प्रोवाइड करेंगे। तो यार ये बैंक तो मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी यार, क्योंकि मेट्रो सिटी में जो लोग रहते होंगे उन्हीं को लोन मिलेगा, तो यार मेरे को ये नहीं अच्छी लगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लोग यहाँ से लोन लें। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट बैंक आती है फुल ट्रेन इंडिया, जो आप लोग को ये बैंक है, ये बैंक आप लोग को प्रोवाइड कर रही है 11.99% के इंटरेस्ट से आप लोग को से लेकर के 36% के इंटरेस्ट से आप लोग को पैसा प्रोवाइड कर रही है। जो इसमें आप लोग की जो मंथली मिनिमम मंथली इनकम होनी चाहिए ना, वो 20,000 से लेकर के 25,000 की मंथली इनकम होनी चाहिए, और फॉर मेट्रो सिटीज़। यार ये भी आप लोग को देखो, ये इनकी जो लोकेशन है ना, अगर आपकी 20 से 25 हज़ार की सैलरी है और आप मेट्रो सिटी के साइड रहते हो तो आप लोग को बेनिफिट हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मेट्रो सिटी में यार अधिकतर लोग तो यार मेट्रो सिटी में नहीं रहते ना। तो मेट्रो सिटी में अगर आप रह रहे होंगे तो ये आप लोग की जो सेकंड बैंक है, ये भी आप लोग को 20 से 25 हज़ार के सैलरी होगी, तो आप लोग को 25 लाख का लोन प्रोवाइड करेंगे 60 महीने के लिए। तो यार ये भी ये दो बैंक मेरे को नहीं अच्छी लगी, क्योंकि यार इन्होंने सिटी चूज़ कर ली ना कि अगर इस एरिया के अंदर रहेंगे तो ही मैं लोन प्रोवाइड करूंगा, तो उनके लिए अच्छी है, लेकिन जो लोग मेट्रो सिटी के पास नहीं रहते होंगे ना, तो उनको यार बड़ा ही दिक्कत होगी इन बैंकों से पैसा लेने के लिए। तो जो अपनी नेक्स्ट बैंक आती है, नेक्स्ट बैंक आ रही है अपनी आईडीबीआई बैंक आती है, ये आप लोग को 9.50% से लेकर के 14% तक के ब्याज से आप लोग को पैसा प्रोवाइड करती है। इनमें आप लोग की 15,000 मिनिमम मंथली सैलरी होनी चाहिए, तो ये आप लोग को 5 लाख का लोन प्रोवाइड करती हैं 12 से 60 महीने के लिए। तो ये मेरे को अच्छी बैंक लगी। तो मोटा माटी मान लिया जाए, अगर आप लोग की 15,000 सैलरी है ना, और 15,000 से 20,000 के बीच में आप लोग की सैलरी है, तो आप लोग आसानी से आप लोग को, मतलब कि 15 से 25 के बीच में अगर आप लोग की सैलरी है ना, तो आसानी से आप लोग को पर्सनल लोन मिल जाएगा। और ये आप लोग देखो, आप लोग का जो क्रेडिट स्कोर होना चाहिए ना, वो गुड की कैटेगरी में होना चाहिए, तो आसानी से ही जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक होती हैं और गवर्नमेंट की बैंक होती है ना, वो आसानी से आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि पर्सनल लोन है यार क्रेडिट स्कोर पे ही ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि यार पर्सनल लोन तो सब लोग चाहते हैं, क्योंकि अर्जेंट किसी भी काम के लिए पैसा जरूरी पड़ गया तो यार पर्सनल लोन पे चाहिए होता है। बस इन लोग का बट इन लोग का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। अगर आप लोग का गुड की कैटेगरी में क्रेडिट स्कोर नहीं है, सिविल स्कोर जो आप लोग का गुड की कैटेगरी में नहीं आता है ना, तो आप लोग को बहुत भयंकर का इंटरेस्ट रेट मतलब कि देना पड़ जाता है। अगर गुड की कैटेगरी में आता है तो कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, अगर पुअर की कैटेगरी में आ जाता है ना, तो यार आप लोग पूछो ही नहीं, 27-27% तक का आप लोग इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। बल्कि इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि 12 से 21% के बीच में अगर बीच ही में देंगे, चाहे वो गुड हो चाहे पुअर हो चाहे बैड हो। तो यहाँ पे मैं देखो, मैं 5-6 बैंकों की बात करी, तो 5-6 बैंकों में मुझे गवर्नमेंट की बैंक एसबीआई बैंक मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी। ये आप लोग को 9.60% से आप लोग को पैसा दे रही है, 15,000 रुपये आप लोग को पैसे प्रोवाइड कर रही है, 15,000 मतलब कि आप लोग की सैलरी होनी चाहिए, और 20 लाख का लोन प्रोवाइड कर रही है, और 6 साल दे रही है। तो यार कोई भी बैंक आप लोग को 6 साल का महीना नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो मैं एसबीआई के लिए ज़्यादा प्रेफर करूंगा। तो आप लोग के आसपास कोई भी एसबीआई की ब्रांच हो ना, तो वहाँ से जाकर के आप लोग कंफर्म कर लेना कि यार कि पर्सनल लोन के लिए क्या रिक्वायरमेंट चल रही है, और क्या क्या हम लोग को पेपर वेपर भरने पड़ेंगे। अगर आप लोग कहते हो कि भाई पेपर की वीडियो ही बनाओ, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो अगर तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, तो इनको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।